अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करती हूँ सब बहन भाई ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू एनदर डे एनदर व्लॉग। तो जी आजकल जो है ना वो सिर्फ बारिशें हो रही हैं और जो है ना हम भी बारिशें देखेंगे, आपकी तरफ भी हो रही होंगी। आप लोगों ने बताना है कि आपकी तरफ बारिशें हो रही हैं कि नहीं हो रही, और जब भी सुबह उठो तो बारिश जो है ना वो लगी होती है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि गाँव में जो है ना वो बारिशों के बाद क्या सिचुएशन होती है। इतना ज़्यादा कीचड़ होता है और जो है ना वो कहीं भी आप लोग जो है वो जा नहीं सकते। तो अभी बस मैं बाहर आई थी, इनका देखूँ बाहर की क्या सिचुएशन है। बारिश जो है ना वो अभी भी रुकी है और अभी टाइम 8:30 का है, मेरे को याद आधा घंटा हुआ उठे हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पर बारिश के बाद की क्या सिचुएशन होती है। अच्छा यहाँ पर जो है ये वाला रास्ता सारा, ये तो इसमें यहाँ तो पाँव भी रखने की जगह नहीं होती। फिर जहाँ पर घास घास होती है ना, अगर हमें कहीं जाना होता है तो हम घास वाली जगह पर पाँव रख कर चले जाते हैं। जैसे ये हो गया, इसके बाद और रूमी आराम से, ये मेरे साथ जो है वो रूमी भी है, और ये जो ना वो गाय को तलाश कर रहा है। और गाय जो ना वो नहीं है, वो सुबह सुबह जो ना वो खोल देते हैं, वो चली जाती है चारा खाने के लिए। तो यहाँ पर और ये नीचे, अच्छा ये भी हमारी हमारे खेत है, दो, एक मेरे ताया का खेत है, एक हमारा खेत है। ओके जी वेलकम बैक। और अभी जो ना वो मुझे थोड़ा सा मौका मिला था बाहर निकलने का। वैसे आज मैंने कोई ख़ास काम शाम तो नहीं किया, तो मैं सोचा आप लोगों को चलो थोड़ा सा जो ना अपना गांव दिखाती हूँ। ये जो है ना वो हमारी मस्जिद है जो कि अभी बनकर तैयार हुई है, और थोड़ा बहुत काम जो है ना वो इसका थोड़ा बहुत अभी भी रहता है। और यहाँ पर अच्छा अब ना घास बड़े मज़े की है बारिश की वजह से। और ये हमारी गाय, ये हमारी गाय नूर जी। अच्छा मुझे खुद नहीं पता कि हमारी कौन सी है। और ये कह रही है कि मैंने मारना है। अच्छा इस दूर दूर से चलो, आओ उधर से चलते हैं। और अभी सूरज है, ये सारी हमारी ज़मीन है यहाँ से। अच्छा मैं बैग से दिखाती हूँ हमारा घर कौन सा है। वो सामने हमारा घर है जिस पे जो ना वो आपको डिश नज़र आ रही है, थोड़ा सा इधर से नज़र आता है। और अच्छा ये देखें जी बारिश की तबाहकारियाँ कि ये जो ना ये मेरे मामू का खेत है, और यहाँ पर जो ना वो कितनी बड़ी दरार पड़ गई है। बस बारिश होती है जब तो यही होता है, और इसकी वजह से इसका पानी जो ना वो नीचे गया है सारा। हमारा ये खेत है नीचे वाला, ये वाला, और इसकी वजह से वो हमारे खेत में भी दरार पड़ गई है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी चलकर। और नीचे आ गए हम, ये वाला जो ना हमारा खेत है। अच्छा मौसम बड़ा प्यारा हो गया और इतनी प्यारी हवा चल रही है, लेकिन जो ना वो अभी भी बारिश जो है ना वो गई नहीं है प्रॉपरली। रात को फिर हो सकता है जो है ना, कभी बिल्कुल बादल से छा जाते हैं, कभी मौसम साफ़ हो जाता है। तो आज सारा दिन जो है ना वो यही कुछ होता रहा। तो रात को तो रोज़ ही होती है, आज तीसरा दिन है जो है ना वो रोज़ रात को बारिश हो रही है। और ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हमारी, आप देखें पानी किस तरह से आता है, यानी कि वहाँ से जो है ना मैं जूम करके दिखाती हूँ, वहाँ से दरार थी, यहाँ पानी आया है, और ये ज़मीन के अंदर से आता रहा है। और जो है ना ये हमारी यहाँ पर भी जो है ना वो इतनी बड़ी दरार पड़ गई है। ये थोड़ा सा कैमरा बैक करते हैं, तो ये कितनी बड़ी दरार पड़ गई है। और अब यही वाला पानी नीचे जाएगा, अब और अगर बारिश होगी तो नेक्स्ट दरार अगली को पड़ेगी। अच्छा मैं इतने काफ़ी टाइम बाद जो ना वो इस साइड पे आई हूँ, मैं इस साइड पे कभी भी नहीं आई, इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता, घर में ही रहते हैं ज़्यादातर, या बहुत दिल करे तो जो है ना वो छत पे से देख लेते हैं। लेकिन आज मैंने थोड़ी सी सोचा वीडियो भी बनाऊँ और साथ चलें देखते हैं चलकर वो जगह जहाँ पर हम रहते थे। पूरा दिन हमारा जो ना वो इधर ही गुजरता था। और ये आके हम, और सूरज जो ना वो बिल्कुल डूबने वाला है। ये भी एक हमारा खेत है, ये पता नहीं आई थिंक मेरे ताया का खेत है।
तो बस ये कि हमारी थोड़ी सी, इतनी ज़्यादा ज़मीन नहीं है, लेकिन जो थोड़ी सी है मेरे अब्बू की, वो घर के पास ही है, दूर वाला कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि गांव इतना बड़ा नहीं है, घर इतने ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से जाना। और यहाँ पर हर लोगों को अभी जो है ना वो सूरज रूब होने वाला है, तो इतना सही से नज़र नहीं आ रहा होगा। ओके जी, वेलकम बैक। और आप लोगों ने पीछे मेरे जो है ना वो लाइव ब्लॉग देखा है, अभी मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वॉइस ओवर कर लेते हैं यहाँ से जो है ना, फिर मैंने लाइव ब्लॉग नहीं किया। तो अभी ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ अपना कुआँ, और ये वाला हमारा कुआँ है। यहाँ पर हम सब, हम जितने घर हैं सब की जो है ना वो मोटरें लगी हुई हैं, तीन मोटरें लगी हुई हैं बेसिकली, एक मेरे ताया की है और एक मेरे जो है ना वो दोनों मामू एक मोटर यूज़ कर लेते हैं, इसके अलावा एक मोटर हमारी लगी हुई है, और ये वाली जो मैं दिखा रही हूँ हमारी लगी। और पहले मेरी शादी से पहले जो है ना हम लोग इस कुएँ से जो है ना वो पानी खुद भरते थे, लेकिन मेरी शादी के कोई 2 साल पहले जो है ना वो मोटर लग गया, तो अब शुक्र है जी गांव में भी आसानी हो गई। और मैं आपको नीचे दिखा रही हूँ, इतना गहरा पानी है और मुझे डर भी लग रहा था कि जो है ना मेरा मोबाइल नीचे ना गिर जाए, तो वो थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों को जो है ना अपने गाँव का छोटा सा टूर दूँ। और हमारा गाँव बेसिकली ऐसा कि आप लोगों को जंगल ही जंगल नज़र आएगा, लेकिन जो ना है बहुत प्यारा, और हमें जो ना अपनी जगह बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बारिश हुई हुई है तो मौसम और भी प्यारा हो रहा है, और हर चीज़ जो ना वो निखरी निखरी है और बहुत ही ज़्यादा जो ना वो प्यारी लग रही है। इसके बाद ये अभी हम लोग घरों के पास थे, फिर हमने सोचा चलो थोड़ा सा घरों के दूर जाते हैं। ये ज़मीन इतनी ज़्यादा गीली थी, पाँव जो ना जूता काफ़ी ज़्यादा वो नीचे जा रहा था, लेकिन चले कोई नहीं, हम लोगों ने सोचा चलो आज जो है ना वो सैर कर आते हैं इधर की भी। वैसे इस साइड पे तो काफ़ी टाइम से मैं नहीं आई, कोई पता नहीं 2 साल हो गए, 3 हो गए, आज मेरा इतने टाइम बाद आना यहाँ पर हुआ। और मैं अभी यहाँ व्लॉग बना के तो यहीं पर जो है ना बैठ के मैं अभी वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, मेरा बस मेरा था हार के हम लोग बैठे, तो मैंने सोचा चलो यहीं से जो है ना वो वीडियो भी मैं एडिट कर लेती हूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो चलें अभी आप लोग थोड़ा सा यहाँ का नज़ारा देखें। होपफुली आप लोगों को जो ना मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो बस मैंने आप लोगों को थोड़ा सा दिखाया कि मेरा गांव कैसा है, और ये हम लोग काफ़ी दूर आ गए थे, और अभी बस मैंने वॉइस ओवर यहाँ पे कर लिया डन, तो अभी हम लोग घर जाएंगे। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और मगरब की अजानें भी जो वो स्टार्ट हो गई हैं, घर वाले ढूंढ रहे होंगे ये किधर निकल गए, और मेरा बेटा मुझे ढूंढ रहा होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।